बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं कीमा। कीमा बनाने के लिए मैंने लिया एक पाव कीमा, एक प्याली चॉप प्याज, एक प्याली कटा हुआ टमाटर, 3 से 4 चम्मच ऑयल, 2 चम्मच हरा धनिया, हसबे जायका नमक, और मैंने लिया 1 चम्मच सालन मसाला पाउडर। सालन मसाला पाउडर की रेसिपी मेरे चैनल पर है, आप वहाँ से ले सकते हैं। और 1 चम्मच मैंने लिया है हरी मिर्च और लहसुन मोटा मोटा पिसा हुआ। अब बनाना शुरू करते हैं हम कीमा। सबसे पहले हम डालेंगे एक बर्तन में ऑयल। ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे चॉप प्याज। ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो गया, इसमें हम डाल देंगे प्याज। प्याज डालकर हल्का गुलाबी कर लेंगे। प्याज हल्की गुलाबी हो गई है, अब हम डाल देंगे इसमें कीमा और डाल देंगे हसबे जायका नमक और डालकर अच्छी तरह से हम इसे भून लेंगे। अच्छी तरह से प्याज में मिक्स कर देंगे। और इसे हम ढककर छोड़ देंगे कीमा गलकर पानी सूखने के लिए। ये देखें, कीमे का पानी अच्छी तरह से सूख गया और कीमा गल गया है। इसमें हम डालेंगे सालन मसाला पाउडर। सालन मसाला पाउडर डालकर हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। सालन मसाला पाउडर डालकर मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे हरी चटनी, लहसुन और हरी मिर्च की, और इसे भी डालकर हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब इसमें हम डाल देंगे एक प्याली कटा हुआ टमाटर। टमाटर डालकर भी हमें अच्छी तरह से कीमे को मिक्स कर लेना है। और इसे हम स्लो आंच पर ढककर टमाटर गलने तक पकने देंगे। ये देखें, टमाटर अच्छी तरह से गल गया है। अब हम इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। हम अच्छी तरह से भून लेते हैं। हम इसमें डाल रहे हैं 1/2 चम्मच कसूरी मेथी। कसूरी मेथी डालने से इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का हो जाता है। कसूरी मेथी डालकर भी इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखें, इसमें हम डाल देंगे हरा धनिया, और हरा धनिया डालकर भी हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। हरा धनिया डालकर भी कीमे को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप लोग नाश्ते में बनाकर खाएं, लंच में खाएं, डिनर में खाएं, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़े का बनता है। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा कीमा बनकर तैयार है। आप लोग घर पर ज़रूर ज़रूर बनाएं। अब हम इसे करेंगे सर्व। ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह कीमा बनकर तैयार है। आप लोग घर पर ज़रूर ज़रूर बनाएं। कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।